अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? आज जो है हम बात करने वाले हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं जिसमें दिखा देता हूँ। तो ये हसनैन भाई हैं जिसने ये पूछा कि भाई हमें प्लान सी के बारे में, जिस यूनिवर्सिटी के जो पेपर हो रहे हैं उनके बारे में प्लान सी क्या है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। कुछ और भाई भी हैं, जैसे ये एक भाई हैं, ठीक है, इन्होंने भी ये सवाल पूछा था। कहने का मतलब यही है। और उसके बाद बहुत सारे और कमेंट्स थे लेकिन मेरे पास इकट्ठे शो होते हैं तो मुझे मिल नहीं रहे थे, ठीक है। मेरे आंसर उनको दे दिए थे लेकिन मुझे मिल नहीं रहे, वरना मैं और भी आपको दिखा देता। तो आज हम इसी प्लान सी के बारे में बात करेंगे कि प्लान सी क्या है और इसका क्या मतलब, सक्सेसफुल होना है या नहीं होना, इस पूरे में, इस जो वीडियो इसमें पूरे में बात करेंगे। तो इससे पहले भी वीडियो को आपने लाइक कर देना है और जो है मतलब स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। सबसे पहले की बात करें कि प्लान सी है क्या। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड अब जो है वो क्रिएट हो गया है कि पेपर ऑनलाइन होंगे या फिज़िकल होंगे। यकीन करें 90% जो लोग हैं ना 100 में से, वो सारा दिन सिर्फ इसी बहस में रहते हैं कि हमारे पेपर ऑनलाइन होंगे या हमारे पेपर फिज़िकल होंगे। इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, फेसबुक पे चेक कर लें, इंस्टाग्राम पे चेक कर लें, यही बात ट्रेंड बन गया है। एक बंदे ने पोस्ट लगाई है, आधे बंदे फिज़िकल कह रहे हैं, आधे बंदे ऑनलाइन का कह रहे हैं। जी चलें जी, यही भाई कुछ जो है वो टाइम ज़ाया ना करें। मैं आपको बार बार वीडियो में कहता हूँ भाई कुछ ना कुछ पढ़ लें, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लान सी है क्या। प्लान सी के मुताबिक जिस यूनिवर्सिटी ने जो है ये कहा है कि हम जो एग्ज़ाम्स हैं वो हम फिज़िकल ही लेंगे लेकिन हम टर्म वाइज लेंगे। अच्छा जी, टर्म वाइज क्या है? टर्म वाइज का मतलब ये है कि हम पहले 7 सेमेस्टर के लेंगे, फिर हम 5th के लेंगे, फिर हम 3rd के लेंगे और फिर हम 1st के लेंगे। यानी आपको पता है कि भाई 1st, 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम पहले फाइनल टर्म यानी 7th के लेंगे, फिर 5th, फिर 3rd और फिर 1st के लेंगे। तो ये टर्म वाइज हो गया। अगर हम बात करें 15 फेब से जो वो टेंटेटिव डेट शीट आई है उसमें कहा गया है कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 7th सेमेस्टर के 5th फेब से स्टार्ट हो जाएंगे और 5th सेमेस्टर के जो हैं वो है हो जाएंगे 25 फेब से, और इसी तरह 3rd सेमेस्टर के जो है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। ये है प्लान सी, मतलब ये कि पहले फिज़िकल का है, ठीक है। अगर फिज़िकल हो जाते हैं तो इंशाल्लाह जो है मुझे लग रहा है, मैं अपना आइडिया मतलब कंफर्म नहीं, वैसे मुझे जो लग रहा है कि इससे गवर्नमेंट को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और यूनिवर्सिटी जो है वो अपना फिज़िकल ही एग्ज़ाम लेंगी इस टर्म के मुताबिक। अगर ये प्लान सी जो है वो मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के बिहाफ पे या कोई कंफर्मेशन नहीं, वैसे मुझे लग रहा है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी। कि आप जो है अगर आप कुछ लोग नहीं पढ़ रहे तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दें, जो 7 सेमेस्टर से हैं वो उनका पेपर जो है वो 15 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप चेक करेंगे तो भाई आपको टेंटेटिव डेट शीट मिल जाएगी, फाइनल भी जो है वो इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो अपलोड हो जाएगी। जैसी होती है तो मैं आपके साथ जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करूँ तो भाई ये प्लान, अब बात एक मैंने बात की कि इससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा, तो वो ये है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी वैक्सीनेशन को लाजमी करार देगी तो हर बंदा वैक्सीनेशन करवा के पेपर में बैठेगा, तो जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हर बंदा ही वैक्सीनेटेड हो जाएगा, ठीक है, हर बंदा ही वैक्सीनेटेड हो जाएगा जो जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो प्लान सी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। तो अब अगर आप नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना स्टार्ट कर दें और भाई को दुआ में याद रखें। कोई और बात है या कोई और सवाल है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अगर वीडियो बनी हुई तो आपको बता देंगे, नहीं तो फिर अलग से वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।